हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पीएचपी ट्रेनिंग बाय डेवलपर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीएचपी और माइस्क्यूएल से रिलेटेड जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था मैक्सिमम सैलरी के बारे में। आज हम देखते हैं कि फाइंड करना है मिनिमम सैलरी फॉर एम्प्लॉय। किसी भी एम्प्लॉय की हमें टेबल से मिनिमम सैलरी निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, मिनिमम सैलरी निकालने के लिए आपको पीएचपी के एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में माइस्क्यूएल के एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। तो माइस्क्यूएल के जो एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था मैक्स के बारे में। आज हम बात करते हैं मिनिमम सैलरी के बारे में। तो अगर हमें मिनिमम सैलरी निकालना है तो उसके लिए हमें एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा मिन। कौन सा फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा? मिन, जो आपको दिख रहा है। तो मैं आपको इसको एक अच्छे से प्रोग्राम्स के थ्रू हम इसको समझते हैं कि कैसे हम इस मिनिमम एग्रीड फंक्शन का यूज़ करके एम्प्लॉय की मिनिमम सैलरी हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, डेटाबेस में हमने एक प्रीडिफाइंड टेबल बना के रखी है। उस टेबल का नाम है सैलरी टेबल है, जो डेमो डेटाबेस के अंदर है। और ये हमारे सर्वर का जो पोर्ट नंबर है ये है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि हमने सैलरी टेबल में तीन कॉलम ले रखे हैं, आईडी है, नेम है और सैलरी। हर चार यूज़र से हमारे पास सारे यूज़र की अलग अलग सैलरी है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 10,000 सबसे मिनिमम सैलरी है। किसकी है? अमित की है। उसका आईडी कितना है? 1 है। बट इसको हमको पीएचपी के थ्रू फाइंड आउट करना है। सॉरी, तो हम इसको समझते हैं, इसका हम प्रोग्राम्स कैसे बनाते हैं, कैसे हम इसके एसक्यूएल की क्वेरी बनाते हैं जिससे हम उस यूज़र की या एम्प्लॉय की मिनिमम सैलरी निकाल सकें। तो आइए हम इसका एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो प्रोग्राम हमने बनाया है मिन मिनिमम सैलरी डॉट पीएचपी करके हमने एक न्यू फाइल बनाई है। इस फाइल को हम ओपन करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमको डेटाबेस कनेक्टिविटी करना पड़ेगी। पीएचपी को हम डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करते हैं? तो उसके लिए पीएचपी के अंदर एक इनबिल्ट फंक्शन होता है। उस फंक्शन का नाम है MySQL-I_connect। ये चार पैरामीटर लेता है। पहला सर्वर का नाम है लोकल होस्ट। दूसरा यूज़र नेम जो है वो है रूट। तीसरा पासवर्ड जो है ब्लैंक है। और फोर्थ जो डेटाबेस का नाम है उसका नाम है हमारे पास डेमो। ये जो क्वेरी है, ये जो फंक्शन है, ये कुछ पर्टिकुलर डेटा रिटर्न करके देता है। तो उसको हमने कनेक्शन नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर हमने पास करा। $COOOL एक वेरिएबल है जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट है। अगर हमें कहीं भी डेटाबेस की नीड लगती है तो हम इस कनेक्शन ऑब्जेक्ट का हम यूज़ कर सकते हैं। अब इस डेटाबेस के अंदर जो टेबल बनी है सैलरी टेबल, उससे हमको डेटा को फाइंड आउट करना है। तो डेटा को अगर डेटाबेस से रिट्रीव करना है तो उसके लिए एसक्यूएल की क्वेरी आपको परफॉर्म करना पड़ेगी। बट एसक्यूएल की क्वेरी अगर हमें परफॉर्म करना है तो MySQL का एक इनबिल्ट फंक्शन होता है MySQL-I_query, जिसके अंदर हम एसक्यूएल की क्वेरी पास कर सकते हैं। इसके अंदर दो पैरामीटर होते हैं। पहला कनेक्शन ऑब्जेक्ट हमने किस नाम से बनाया, कौन नाम से, COOOL। सेकंड में हमको क्वेरी चलाना है। तो क्वेरी में हमने करा सिलेक्ट, हमको क्या सिलेक्ट करना है, मिनिमम सैलरी। तो एग्रीगेट फंक्शन हमने कौन सा यूज़ करा है यहाँ पे, मिन। और मिनिमम में क्या निकालना है, सैलरी। तो कॉलम का नाम क्या पास कर दिया हमने यहाँ पे, सैलरी। इसका हम एक एलियास बना लेते हैं। एलियास बना लिया हमने यहाँ पे सैलरी नाम से। यही नाम हमारा कॉलम का भी है तो हमने उसी नाम से एलियास बना लिया। सिलेक्ट करना है मिनिमम सैलरी फ्रॉम टेबल का नाम। टेबल का नाम है सैलरी टेबी। सैलरी टेबी से हमने मिनिमम सैलरी निकाल ली। मिनिमम सैलरी निकाल के हमने जो क्वेरी का जो करना पैरामीटर था या जो भी डेटा था उसको हमने एक वेरिएबल के अंदर पास किया। अब डॉलर क्यू से हमें डेटा फेच करना है अभी अरे के फॉर्मेट में। तो फेच करने के लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं MySQL-I_fetch_array। कहाँ से फेच करेंगे? डॉलर क्यू से। तो जो भी एम्प्लॉय की मिनिमम सैलरी होगी उसको हमने ऐसे अरे के फॉर्मेट में फेच किया और फेच करके हमने उसको एक वेरिएबल के अंदर हम एक बार। अब इस डॉलर डेटा के पास तो यूज़र की मिनिमम सैलरी है, उसमें 10,000 भी है, अमित भी है और 1 भी है।
तो हमको इससे यहाँ से केवल मिनिमम सैलरी निकालना है। तो हमने इको करा डॉलर डेटा से, जो कि अरे के फॉर्मेट में डेटा लेकर के आए हैं, तो हमको उसको अरे से ही डेटा रिट्रीव भी करना पड़ेगा। क्या लेना है हमको सैलरी फाइंड आउट करना है, तो कॉलम का नाम हमने एलियास किस नाम से बनाया था, सैलरी नाम से, तो उसी एलियास को हम यहाँ पे पास कर देते हैं। तो अगर हमारी क्वेरी प्रॉपर वे पे काम कर रही है तो उस यूज़र की मिनिमम सैलरी निकाल के ले आएगा जो सबसे कम है हमारे टेबल के अंदर। आइए इसको एक बार चेक कर लेते हैं ब्राउज़र पे। मिनिमम सैलरी दोस्तों देखा आपने 10,000 लेकर के आए, और डेटाबेस में सबसे मिनिमम सैलरी किसकी है, अमित की। कितनी सैलरी है? 10,000। तो दोस्तों आज जो हमने पढ़ा है वो किसी भी टेबल से अगर हमें एम्प्लॉय की मिनिमम सैलरी निकालना है तो हम उसके लिए एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो हम आप तक पहुँचाते रहें। ओके दोस्तों आज का वीडियो में यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। ओके दोस्तों थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।